नारायणपुर पुलिस ने सक्रिय नक्सली बैजू सलाम पिता गड्रू सलाम को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कड़ेमेटा कैंप से डीआरजी की टीम ने सर्चिंग एवं घेराबंदी कर कड़ेमेटा सालहेपाल के जंगल से सक्रिय नक्सली बैजू सलाम को गिरफ्तार किया है। सक्रिय नक्सली पुलिस एवं सुरक्षा बलों को जान माल के नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाने, एम्बुश लगाने जैसे विभिन्न अपराधों में सम्मिलित था। इसके अलावा आम नागरिकों की अपहरण, लूट और आगजनी इत्यादि घटनाओं में भी शामिल रहा है। गिरफ्तार नक्सली ने पूर्व में धोढाई एलजीएस सदस्य एवं कांगेरा जनताना सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका है तथा वर्तमान में बोदले जनताना सरकार अंतर्गत सक्रिय रूप से कार्यरत था। उक्त नक्सली के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा 15,000 रूपए एवं पुलिस अधीक्षक नारायणपुर द्वारा 10,000 रूपए कुल 25,000 रूपए का इनाम घोषित है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। नारायणपुर से अलसाब्रीन नाज कुरैशी की रिपोर्ट। आज हमारी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ेमेटा टीम से हमने कड़ेमेटा कैंप से अपनी सुरक्षा बलों को निकाला और कड़ेमेटा सालेपाल जंगल में हमें एक व्यक्ति मिला संदिग्ध, जिससे हमने पूछताछ की, जिसके बारे में और पूछताछ कर हमें पता चला कि उसका नाम बैजू सलाम है, जो कि ग्राम झारा जिला नारायणपुर का रहने वाला है। इसके बारे में और नक्सल सेल से और जगह से पूछताछ जब हमने और किया तो हमें पता चला कि इसके खिलाफ 8 अपराधों में 5 स्थायी वारंट है, जारी है न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा, और इसके ऊपर कई गंभीर अपराध का आरोप है, जिसमें आर्म्स एक्ट, आईडी लगाना जिसके लिए विस्फोटक अधिनियम 302-307 जैसे कई गंभीर धाराओं में इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। ये पहले झारा एलजीएस में एक सदस्य रह चुका है और साथ ही साथ पहले कोंगेरा जनताना सरकार का भी अध्यक्ष रह चुका है। करेंटली ये बोदली जनताना सरकार में भी एक सदस्य के रूप में एक्टिव था। सर, इसके ऊपर कोई इनाम भी? हाँ, इसके ऊपर आईजी साहब द्वारा पूर्व में 15,000 रुपये और पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा पूर्व में 10,000, कुल 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। किन बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है? इनकी ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं, 2012 की घटनाएं हैं, जिसमें 302 हत्या जैसी घटना, आईडी लगाना, जानमाल को हानि पहुंचाना, सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने की नीयत से प्रयास करते हुए आईडी लगाना, ऐसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं।